नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे मैं क्यों युक्तिवादी हूँ, अंग्रेजी में वाई आई एम रेसलिस्ट। मैं अपने वाई आई एम रेसलिस्ट संतोष शर्मा यूट्यूब चैनल पर लगातार ज्योतिष शास्त्र का खंडन करते हुए, ज्योतिषियों का पोल खोलते हुए वीडियो पोस्ट करता हूँ और आप उसे देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। मुझे खुशी है कि आप इस बीच जो भी वीडियो देखे हैं वह आपको काफी जानकारीपूर्ण होगा। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि आम लोगों में ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र रमन, जादू टोना इत्यादि को लेकर जो भी धारणाएं हैं, जो भी भ्रम है, उसे दूर करना। मैं लोगों से बार बार यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी ज्योतिष पास जाने से पहले यह तो जान लीजिए कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी इंसान का कल्याण हो सकता है कि नहीं। आप जान लीजिए कि ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपका कोई भला कर सकता है कि नहीं। आप ये जान लीजिए कि ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र के नाम पर सिर्फ ठगी का दुकान तो नहीं चला रहे। इसलिए आपसे यह निवेदन है कि वाई आई एम रेसलिस्ट संतोष शर्मा में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र नहीं ठग शास्त्र, जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना बड़ा ही पाखंडी, इस तरह के जो भी वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं वह आप देखिए, आपको नई जानकारियां जरूर मिलेगी। मैं संतोष शर्मा एक युक्तिवादी हूँ, रेसलिस्ट हूँ और अपने आसपास जो भी ज्योतिषी मिलते हैं, तांत्रिक मिलते हैं, मैं उन्हें चुनौती दिया करता हूँ, चैलेंज दिया करता हूँ। इसके साथ ही मैं साइंस एंड रेसलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के संयुक्त सचिव हूँ। इस नाते मैं युक्तिवादी या रेसलिस्ट मूवमेंट से लगातार जुड़ा हूँ और ज्योतिषियों का पोल खोलते आया हूँ। मैं संतोष शर्मा अक्सर ज्योतिषियों को चुनौती दिया करता हूँ। चुनौती इसलिए दिया करता हूँ कि ज्योतिषियों का दावा है कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा लोगों का भाग बताया जा सकता है, उनके हथेली देखकर, मस्तक देखकर उनके जीवन के बारे में बताया जा सकता है, और अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है तो उसे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपायों का इस्तेमाल कर, यानी तंत्र मंत्र, यज्ञ या ताबीज, कवच आदि देकर आपके जीवन के समस्या का समाधान किया जा सकता है, ऐसा दावा ज्योतिषी अक्सर करते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिषी ये भी दावा करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ शास्त्र नहीं, एक विज्ञान आधारित शास्त्र है। सीधे शब्द में ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है। ऐसे में हम तर्कवादी युक्तिवादियों का दायित्व बढ़ जाता है कि ज्योतिष शास्त्र वाकई में विज्ञान है या नहीं, इसे सिद्ध करना। इसके साथ ही हम युक्तिवादी तर्कवादियों का दायित्व बढ़ जाता है कि ज्योतिषियों का जो दावा है ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, ज्योतिषियों के पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, इसे साबित करने के लिए हम युक्तिवादी अक्सर ज्योतिषियों को चुनौती दिया करते हैं। ऐसा ही एक चुनौती मैंने सोशल मीडिया में लिखकर पोस्ट किया था, एस्ट्रोलॉजी ए साइंस और मिथ, इस नाम से एक फेसबुक पेज पर एक सोशल मीडिया का ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में मैंने एक पोस्ट लिखा था, ज्योतिषियों को 50 लाख रुपए की चुनौती। यह चुनौती है, अगर किसी ज्योतिषी ने अपने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ये साबित कर देगा कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है तो उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। 50 लाख रुपए की जब बात आई तो आपके मन में सवाल होगा कि ये 50 लाख रुपए कौन देगा, कहां से आएगा। मैंने आरंभ में ही कहा था, मैं भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रेसलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव हूं। भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से ज्योतिषियों को 50 लाख रुपए की चुनौती दी गई है। अगर किसी ने चुनौती लेकर
यह साबित कर दिया कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपायों द्वारा इंसान के किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। तो युक्तिवादी समिति की ओर से उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। सोशल मीडिया में ज्योतिषियों को 50 लाख रुपए की चुनौती, यह पोस्ट लिखने के बाद कई ज्योतिषियों ने मुझे फोन किया और चुनौती लेने की बात कही। कईयों ने मुझे यह धमकाने डराने की कोशिश की कि अगर आपने ज्योतिष शास्त्र को बदनाम करने की कोशिश की, ज्योतिषियों को बदनाम या कलंकित करने की कोशिश की, तो हम आपको कानून के कटघरे में खड़ा कर देंगे। मैं ऐसे ज्योतिषियों से यही कहूँगा कि कानून के कटघरे में कौन खड़ा होगा वह तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं अभी चुनौती की बात करता हूँ। आप में अगर हिम्मत है तो भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से जो 50 लाख रुपए की चुनौती दी गई है वो चुनौती लीजिए। चुनौती लीजिए और साबित करिए कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र कोई ठग शास्त्र नहीं है, यह विज्ञान है। इसके बाद कई ज्योतिषियों ने ईमेल कर चुनौती लेने की बात को स्वीकार किया और हमारी युक्तिवादी समिति की ओर से उन ज्योतिषियों को भी जवाब में कहा गया कि आपको कई शर्तों का पालन करते हुए चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, अब तक आज तक किसी ज्योतिषी ने पुनः मेल नहीं भेजा और चुनौती का सामना नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि ज्योतिषियों को भली भांति पता है कि चुनौती लेने से ही ज्योतिष शास्त्र का, ज्योतिषियों का सारा पोल खुल जाएगा। पोल खुल जाएगा कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना बड़ा ठग, उतना बड़ा पाखंडी हुआ करता है। ज्योतिष शास्त्र कोई विज्ञान नहीं, एक ठग शास्त्र है। बात को आगे बढ़ाते हुए चलिए, मैं उस सोशल मीडिया में जो पोस्ट लिखा था और उसके आधार पे वाई आई एम रसली संतोष शर्मा पर मैंने जो लाइव प्रोग्राम किया था उसका एक अंश आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको यह साबित हो जाएगा, समझ पाएंगे कि वाकई में हमने क्या लिखा था, क्या चुनौती है। तो चलिए हम आपको वहाँ वीडियो क्लिप दिखाते हैं, वाई आई एम रसली संतोष शर्मा पर लाइव मैंने जो किया था। ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप एस्ट्रोलॉजी मीट, ये व्हाट्सएप ग्रुप है और इस ग्रुप में 30.2 के मेंबर है। 34,000 के ऊपर जो है वो फॉलोवर्स है, यहाँ पे मेंबर है इसके। और इसी ग्रुप में हमेशा ज्योतिष शास्त्र पे वाद विवाद तर्क वितर्क चलते रहता है। आप अगर ज्योतिष को चोट पहुंचाते हुए यदि कोई पोस्ट करते हैं तो कुछ लोग पहुंच जाएंगे आपकी आलोचना करने के लिए कि आप कितना जानते हैं। तो मैंने सीधी तौर पे एक चैलेंज भरी पोस्ट इस ग्रुप में लिखा था, एस्ट्रोलॉजी साइंस और मी। अच्छा, पोस्ट हम आपके सामने पेश करते हैं। संतोष शर्मा मेरा ही नाम है, ये मेरा फेसबुक से लिखा हुआ है। 30 जुलाई को मैंने पोस्ट किया था, ज्योतिषियों को 50 लाख रुपए की चुनौती। मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी साइंस एंड रसनिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव हूँ। हमारी युक्तिवादी समिति ने ज्योतिषियों को 50 लाख रुपए की चुनौती दी है। चुनौती है, क्या कोई भी ज्योतिषी यह प्रमाण कर सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है? चुनौती लेने वाले ज्योतिषी मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, संतोष शर्मा संयुक्त सचिव युक्तिवादी समिति कोलकाता, और मेरा मोबाइल नंबर। तो एक यह फेसबुक पोस्ट देखने के बाद देखिए नीचे 158 कमेंट्स आए हैं, 30 शेयर हुए हैं। तो ये तो हुआ सोशल मीडिया की बात, और मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर लोग मुझसे कई बार फोन कर चुके, कई लोग मुझे फोन कर चुके हैं, व्हाट्सएप कर चुके हैं कि मैं चुनौती लेने के तैयार हूँ, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आप सही में संतोष शर्मा है, क्या वाकई में साइंस एंड रेसलिस्ट एसोसिएशन नाम के कोई संगठन है कि नहीं, आप कहाँ से हैं। तो इंक्वायरी शुरू हो गई और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब मैंने एक पोस्ट लिखा है और कायदा नंबर दे के रखा है तो मैं ही संतोष शर्मा हूँ। वाई आई एम रेसलिस्ट संतोष शर्मा पर मैंने जो लाइव किया था उसका अंश आपने देखा,
और यह समझ में आ ही गया होगा कि मैंने सोशल मीडिया में क्या चुनौती दिया था और चुनौती का उद्देश्य क्या था। यह खुली चुनौती आज भी है। अगर कोई भी ज्योतिषी चाहे इस चुनौती का सामना करिए, हम चुनौती लेने के लिए हमेशा तैयार है और लोगों को यह भी बतलाने के लिए तैयार है कि वाकई में कोई ज्योतिषी है इस दुनिया में जो चुनौती लेगा और 50 लाख रुपए जीतेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं हर एक ज्योतिषियों से यह अपील करना चाहूँगा, यह कहना चाहूँगा, यह चुनौती देना चाहूँगा कि आप में हिम्मत है तो चुनौती लीजिए, चुनौती लीजिए और साबित करिए वाकई में ज्योतिष शास्त्र कोई ठग शास्त्र नहीं है, ये विज्ञान है। जाते जाते मैं संतोष शर्मा एक युक्तिवादी आपसे ये कह जाऊंगा कि इस दुनिया में, इस देश में, इस भारत में या कहीं भी एक भी ऐसा ज्योतिषी नहीं है जो इस 50 लाख रुपए चुनौती का सामना करेगा, क्योंकि हर एक ज्योतिषी को भली भांति पता है कि चुनौती का सामना करते ही सारा पोल खुल जाएगा और साबित हो जाएगा कि ज्योतिष शास्त्र कोई शास्त्र नहीं, ठग शास्त्र है। लोगों को ठगने के लिए ज्योतिषियों ने इस शास्त्र का रचा था और ज्योतिष नामक पाखंड इस ज्योतिष शास्त्र के नाम पर अपनी ठगी का दुकान चलाते हैं। हम युक्तिवादी चुनौती के साथ कहेंगे ज्योतिष शास्त्र कोई विज्ञान नहीं, यह सिर्फ एक शास्त्र है जिसमें अंधविश्वास भरा हुआ है और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी इंसान का कोई भी कल्याण नहीं हो सकता है। सिर्फ ज्योतिषी लोगों को ठगने के लिए ज्योतिषी बन के बैठे हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र का नाम लिया करते हैं, लेकिन हम युक्तिवादी का चुनौती का सामना नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए YIM रसनीश संतोष शर्मा। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई भी तार्किक, चुनौतीपूर्ण या ज्ञानपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियो जरूर मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए। नमस्कार।